सीरीज जीतना और कैसा आपने अपने बॉलर्स को देखा इस सीरीज में, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन करने का, आप और आप सब लोगों को भी, पूरी टीम को भी मुबारक, क्योंकि साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका सीरीज, वनडे भी और T20 सीरीज दोनों जीतना, आई थिंक काफी बड़ी अचीवमेंट है। एंड आई थिंक इस पे आप सबको भी और टीम को भी, सबको मुबारकबाद। आई थिंक बॉलिंग साइड अगर देखी जाए तो आई थिंक वी डिड फेयरली गुड जॉब यू नो बॉलर्स ने, और यू नो जिस तरीके से T20 में भी, वन डेज में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बॉलिंग की और रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और जो एनर्जी बॉलर्स में दिखी, आई थिंक इट वाज इट्स अ गुड साइन गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि आगे आने वाले टूर्स, इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज है, आगे आगे वर्ल्ड कप्स आ रहे हैं, सो आई थिंक इट्स अ गुड साइन, दीज यंगस्टर्स आर रियली डूइंग अ गुड जॉब। जी बिल्कुल, इसका मॉनिटरिंग हो रही है, ऐसा नहीं है कि हमें हमारी नजर नहीं है, हर बॉलर की फिटनेस, हर बॉलर की कि कितनी क्रिकेट खेल रहा है, कितनी नहीं खेल रहा है। याद रहे कि अभी रिसेंटली ही PSL कैंसिल हो गई थी, पोस्टपोन हो गई थी, तो काफी रेस्ट करके आए थे लड़के, तो ऐसा कोई फटीक वाला कोई चक्कर नहीं था। हाँ जिम्बाब्वे सीरीज है, हमारे साथ और भी बॉलर्स आए हुए हैं, ऑफकोर्स वी विल सिट डाउन, बात होगी इंशाल्लाह इस पे कि इन लड़कों को चांस दिया जा सकता है, कैस किस किस तरीके से दिया जा सकता है। ऑफ कोर्स हमें और भी बॉलर्स एक्सप्लोर करने चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, आगे बड़ी सीरीज आ रही है, तो हमें बड़ा एक बंच चाहिए होगा इस सारी क्रिकेट को टैकल करने के लिए। जी हर मैच के बाद चाहे जीते चाहे हारे, हम लोग बैठते जरूर हैं, इस पर डिस्कशन होती है बॉलर्स की, सब बॉलर्स को बैठ के कि किसने क्या क्या किया और कहाँ इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। एंड यू राइट के यू नो सम टाइम होता है ऐसे कि जी आप जीत जो होती है वो आपको कंफ्यूज कर देती है, लेकिन ये है कि हम बिल्कुल बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं कि कहाँ किसने गलत किया, कौन कितना अच्छा कर रहा है, सबको प्रेज भी किया जाता है और उसको जो भी प्रॉब्लम्स और इश्यूज हैं उनको भी डिस्कस किया जाता है। तो ऐसा नहीं, हरगिज नहीं है कि क्योंकि जीते हैं तो हम अपनी गलतियों को ना देखेंगे, हम जरूर उस पर नजर डालते हैं। जी आपने 203 तो गिनवाया, लेकिन आपने 144 कल रात वाला नहीं गिनवाया, तो ये T20 फॉर्मेट इतना फास्ट मूविंग फॉर्मेट है, और जिस तरीके के ट्रैक्स, डिफरेंट ट्रैक्स आपको मिलते हैं, समटाइम 203 भी आपने ये भी तो देखा ना कि हमने बैटिंग में कितनी आसानी से उसको चेस कर लिया, तो ये बैटिंग ट्रैक्स समटाइम होते हैं और उसमें कई दफा 203 पर भी रोकना आई थिंक काफी बड़ी सक्सेस होती है। और इसी तरीके से कल रात जिस तरीके से बॉलिंग की, तो इट्स अ मिक्स एंड मैच होता है इस तरीके से, एज लॉन्ग एज आप मैच जीत रहे हैं और आप अपनी खामियों को देख रहे हैं और बेहतर से बेहतर हो रहे हैं, आई डोंट थिंक मुझे इसमें कोई वरी होने की जरूरत है या किसी भी बॉलर को वरी होने की जरूरत है। आप गालबन थोड़ी सी ज्यादती करते हैं जब ये बात करते हैं कि उनकी उनकी जो टॉप टीम नहीं थी, ठीक है ना जी, वो इसलिए कि इसमें ना किसी इंडिविजुअल का कसूर है, उनकी नेशनल टीम थी, उनकी बेस्ट अवेलेबल टीम थी, अगर नहीं है उनके प्लेयर तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। जहां तक औसत की बात, फिर मैं वही बात करूंगा, पिचेस पे डिपेंड करता है किस तरह की पिचेस हैं, अगर औसत हमारे बॉलर्स की ज्यादा है तो उनकी की टीम इतनी बुरी तो नहीं थी ना, इसका मतलब है। तो ओवरऑल यस, मैंने कहा है ना कि हम भरदा नहीं डालते किसी चीज पर भी, हम कोशिश करते हैं कि उसको बेहतर से बेहतर किया जाए, अगर यू नो अगर ऐसा है कि ज्यादा औसत है तो इसको इंशाल्लाह मज़ीद डिस्कस किया जाएगा। रिमेम्बर दैट, ये याद रखिएगा, क्रिटिक्स आपको बेहतर इंसान बनाती है, आपकी खामियों को दूर करने का मौका देती है। आई एम नॉट रियली कंसर्न के कौन किसको क्रिटिसाइज करता है, अगर मुझे कोई क्रिटिसाइज करता है तो मैं उसमें जरूर लुक इन करता हूँ और उसमें नोटिस करता हूँ, उसमें देखता हूँ कि उसमें क्या बेहतर किया जा सकता है। और जहां तक बाकी को किसको क्रिटिसाइज करते हैं क्रिटिसाइज नहीं करते हैं वो मेरा इतना कंसर्न नहीं है शहबाज, मैं अपना कोशिश करता हूँ कि अपना काम से
काम रखूं और कोशिश करूं कि पाकिस्तान की बॉलिंग बेहतर से बेहतर। देखें अभी तो ये सीरीज खत्म हुई है, अब यहाँ से अभी जिम्बाब्वे आज हमने ट्रेवल करना है जाके, इंशाल्लाह नई सीरीज है, नई डिस्कशन शुरू होंगी। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि शायद इस पर भी हम डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि नए लड़कों को, नए नए बॉलर्स को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे जो फाइनल अथॉरिटी तो मिसबा है, वही डिसीजन करेगा, लेकिन ये है कि वी विल गिव आर इनपुट। जी मैं तो सिर्फ बॉलिंग पे बात करूंगा, एंड आई एम गोना स्टिक टू द बॉलिंग। एंड आई थिंक पहली बात के कोई ऐसा यंगस्टर्स हमने उतने नहीं ट्राई किए, ये लड़के सीजनड हैं, खेलते हुए आ रहे हैं। पीएसएल में भी ये टॉप बॉलर्स थे जिनमें शाहीन हो गया, हारिस हो गया, हसन की फिटनेस बड़ी अच्छी लग रही है, इज गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे। तो बॉलिंग तो आई थिंक इज गेटिंग बेटर। अनफॉर्चुनेटली शादाब की इंजरी थोड़ी सी सेटबैक जरूर है, उम्मीद है कि वो भी अगले महीने दो में जल्दी से फिट हो जाएगा। तो आई थिंक जो बॉलिंग की बात की जाए तो आई थिंक इज शेपिंग अप क्वाइट नाइसली, एंड आई थिंक ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरी डोमेन है, तो मैं उसको कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी डोमेन में और उसी को बेहतर करूँ। मेरा मेरा ख्याल है कि इसमें मुझे बहुत ज्यादा उसकी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वो क्रिकेट खेल रहा है सारी दुनिया को नजर आ रहा है, सारी दुनिया उसके गुण गा रही है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर वो इसी तरीके से मेहनत करता रहा, इसी तरीके से एफर्ट करता रहा, इम्प्रूव करता रहा, तो आई डोंट हैव एनी डाउट्स कि इंशाल्लाह ही विल ही इज अ नंबर वन बैट्समैन इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट, एंड ही विल गेट बेटर एंड बेटर। और मेरी दुआएं और मेरी मेरी नेक ख्वाहिशात उसके साथ हैं। हम लोग उसको हमेशा इसी इसी बात पे प्रमोट करते रहते हैं और कहते रहते हैं कि यू नो हाउ गुड ही इज, एंड इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में वो पाकिस्तान को और बेहतर सर्व करें। देखिए आई थिंक ही इज अ मैच विनर। हमारे जितने भी बॉलर्स हैं दे ऑल इंडिविजुअली मैच विनर्स, ऑन अ गिवन डे दे ऑल कैन प्रोड्यूस ग्रेट रिजल्ट्स पाकिस्तान के लिए। कोई ऐसा खामियां नहीं है, किसी का दिन होता है। T20 क्रिकेट जैसे मैंने आगे भी थोड़ी देर पहले भी कहा कि इट्स अ फास्ट मूविंग गेम, और फ्लैट पिचेस पे अगर अगर फ्लैट पिच मिल जाए इट बिकम्स वेरी वेरी हार्ड एट टाइम्स। तो मुझे उसमें कोई वो खौफ या डर नहीं है कि हारिस को कोई इशू है या प्रॉब्लम है। ही विल इंशाल्लाह ही विल सी, ही विल गेट बेटर एंड बेटर इन द कमिंग डेज। आप देखें ऐसा अभी फिलहाल तो उनकी जरूरत पड़ी नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स हमारे नजर में जरूर है। आप रोजाना वो नेट में आके बॉलिंग भी करते हैं, तो डेफिनेटली अगर फीस कैन बॉल दैट विल इंक्रीज आर बॉलिंग स्ट्रेंथ, तो इंशाल्लाह उस पर भी नजर है। लेकिन अब ओवरऑल अभी बॉलर्स ने काफी अच्छा किया है, एंड आई एम श्योर हफीज विल बी यूजफुल इन द अपकमिंग वर्ल्ड कप्स में भी। मुझे उम्मीद है कि वो परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इज अ वेरी टैलेंटेड फास्ट बॉलर। अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हुआ, इंजरी से कम बैक कर रहा है, तो अभी वो NHPC में अभी भी कैंप में भी मौजूद था, इज वर्किंग विद जो हमारे वहाँ पे कोचेज हैं उनके साथ काम कर रहा है, इज वर्किंग ऑन हिज फिटनेस, ऑन हिज स्किल लेवल ऑल्सो। PSL में थोड़े से ग्लिम्प्स नजर आया उसके फिटनेस के, तो उम्मीद है कि वो जब वो और क्रिकेट खेलेंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे इंशाल्लाह, और बेहतर से बेहतर होंगे। वी आर वेटिंग फॉर हिम, एंड इंशाल्लाह ही विल मेक हिज कम बैक सून।